Hi, this is Ankit Bhatla. You're watching me on Telefilms. Okay, Ankit, good to see you as you have came up with a new project and you are already doing a serial. So what do you want to say about the serial and about the new project? यार घर एक मंदिर करके बहुत मजा आया क्योंकि जयपुर में शूट करना और यू नो वो सारी एकदम फैमिली बन गई थी एंड मैंने शो बीच में से ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था कि शायद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट ऑडियंस एंड द क्रू सबने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया. खैर वो तो प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है बट कमिंग अप नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म जो कि एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाली है जिसका नाम है क्रेजी सैया एंड देयर इज आल्सो अ फेस्टिवल फिल्म दैट आई हैव जस्ट शॉट फॉर. इनफैक्ट आई एम शूटिंग फॉर विद द मिस्टर सतीश शर्मा. वो बड़ा मजा आएगा क्योंकि वो इंग्लिश में है और ये मेरा फर्स्ट इंग्लिश प्रोजेक्ट होगा. टेल अस समथिंग अबाउट योर रोल इन अबाउट द सतीश शर्मा रोल. सो यार ही इज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ जॉब. बहुत ही रेगुलर सा लड़का है एंड वो एक कॉन मैन है एक्चुअली एंड ही ट्राइज टू सतीश शर्मा उसका बॉस है तो वो उससे कुछ करवाना चाह रहा है लेकिन होता कुछ और है जिसकी वजह से ये पूरी फिल्म जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न से जाती है. सो दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ. व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट देयर इज अ रशियन गर्ल. शी इज ब्यूटिफुल एंड शी इज पार्ट ऑफ द होल फिल्म. सो वी आर शूटिंग इन लोनावला. जंगल के बहुत सीन है. बहुत सारा मारना पीटना काटना है बांधना है. सो फिजिकली इट वॉज वेरी टायरिंग बट वेरी सैटिस्फाइंग. And what is the one common thing about Satish Sharma and your personal life? A common thing. I think we both are actors. I think हम दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं. I think he's a fantastic guy, यार. It was fun to shoot with him. मुझे लग रहा था कि इन्होंने इतना काम किया है तो एक बहुत you know gap होगा हमारे बीच में, but ऐसा नहीं है. We because सारे scenes practically हमारे साथ में, so it's good. And this will be the first movie of Film Festival. So how excited are you for that? आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में जीतना या ना जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका अच्छा काम दिखे. सो देर बी लॉट ऑफ पेट्रंस वॉचिंग इट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो लिटिल नर्वस बट आई थिंक एक्साइटमेंट टेक्स ओवर द नर्वसनेस. ओके सो चैलेंजिंग पार्ट की मैं बात करूँ तो घर एक मंदिर में वी ऑलरेडी सीन यू डूइंग टू रोल्स विच आर वेरी चैलेंजिंग. सो डू यू लाइक फेसिंग चैलेंजिंग इन योर लाइफ? यार आई लाइक फेसिंग चैलेंजेस बिकॉज अगर चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज होते हैं टू ग्रो. तो डबल रोल ये मेरा पहला रोल डबल रोल था. इनफैक्ट टेलीविजन में बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिला है कि वो डबल रोल कर सके. सो आई एम वन ऑफ देम सो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी. ओके सो यू हैव प्लेड सिद्धार्थ सिन्हा एंड विधान सिन्हा. सो व्हिच वाज योर फेवरेट एंड पर्सनली व्हिच यू रिलेट टू दोस द कैरेक्टर व्हिच कैरेक्टर विल यू रिलेट टू योर ओन पर्सनल लाइफ? यार दोनों नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एकदम पॉजिटिव और एकदम नेगेटिव होता नहीं है. हम सब ग्रे होते हैं. सो सिद्धांत सिन्हा जो था वो बहुत ही बदतमीज था लेकिन उसकी कुछ चीज़ें बहुत सही थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. वो अपने यू नो एकदम परफेक्ट बिजनेस सेंस से काम करता था एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ही गुड लुकिंग था. मतलब ब्लेजर श्लेजर पहन के रखता था. वेदांत ऑन द अदर हैंड उससे और मेरे सिमिलैरिटी ये है कि जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है. So this is something which he used to do, लेकिन वो दारू बहुत पीता था जो कि मैं नहीं पीता हूँ. So there are some similarities and some differences. And now you are doing a movie. So who has inspired you a lot throughout the journey? I think it's definitely my father because जब बच्चा होता है सबसे पहले वो अपने माँ बाप से ही सीखता है. My dad was an actor at his time. In fact, युवानी जो एक दूरदर्शन पे आता था दैट वॉज ऑल हिज वॉइस. थिएटर जो किया है उनके गुरु और मेरे गुरु भी सेम है. सो आई थिंक ही इज माई रोल मॉडल. And your best friend Sara Khan is inside the lockup. So what do you want to say? How she is playing? Do you have watched any clips about Sara Khan? सारा यार अच्छा ही खेलती है हमेशा. शी नोज यू नो वो बहुत ही रियल है मुझे ऐसा लगता है. तो वो यू नो शी विल जस्ट प्ले द गेम रियली वेल. बहुत स्ट्रांग है लड़की. उसने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में विच हैज मेड हर सो स्ट्रांग. सो या आई थिंक इट विल बी फन एंड आई होप शी विंस इट. एंड हाउ डू यू सी अ रियलिटी शो इन योर लाइफ? I would love to do a reality show, you know, because कुछ offers आ भी रही हैं, बात भी चल रही है. But I want to do something which is more fun, you know. I like personally खतरों का खिलाड़ी or something which is related to dance is one of my favorites. Recently, when Nach Baliye was supposed to happen, we were approached for Nach Baliye, but obviously now the show is canned. So hopefully you will see us in one of the shows. And talking about music albums, so किसके साथ music album करना ज़्यादा पसंद करोगे? यार गाना अच्छा होना चाहिए बाकी तो फर्क पड़ता नहीं है. अभी मैंने आई डिड अ म्यूजिक एल्बम विद रिद्धि डोगरा विच वॉज ब्यूटिफुल. बहुत ही प्यारा गाना है असीस कौर का. सो मेरे हिसाब से अगर बहुत ही प्यारा रोमांटिक गाना है इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू डू. एंड आफ्टर फ्यू डेज होली इज कमिंग अप. सो व्हाट आर योर प्लान फॉर होली?
होली इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल यार, क्योंकि बहुत सारे रंग होते हैं और हमारी जिंदगी में भी एक्टर्स की जिंदगी में बहुत रंग होते हैं. सो आई लव होली. नॉर्मली आई प्रिफर प्लेइंग विद फ्रेंड्स. हम लोग अब तो खैर, पहले तो यार बचपन में मुझे याद है हम लोग ऐसे ग्राउंड को यू नो वाटर पूरा भर देते थे कि वो कीचड़ बन जाए और उस कीचड़ में खेला करते थे और बहुत डांट पड़ती थी. ऑफकोर्स वो अब ऐसा नहीं होता, बट नाउ वी प्ले विद गुलाल एंड बहुत सारा खाना खाते हैं. दैट्स अ चीट डे फॉर ऑल ऑफ अस. एंड लास्टली, व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस आउट देयर? All I want to say is thank you for all your love, guys. बहुत सारा काम कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, क्योंकि अगर आप entertain नहीं होंगे तो हमारा काम waste है. So we are working hard and I just want to say thank you so much for loving. And I just also want to say guys कि pandemic अभी गया नहीं है. So बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि बिल्कुल ऐसा भूल गए हैं. So please just take care of whatever you can. Thank you. Thank you so much.